बंधे बंधे एक डोरी से। तुम लोगों को सब्जियां खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं दूंगी मैं। घर की सब्जियां घर के पीछे वाले आंगन में उगाई जाएंगी और ये काम रघु करेगा। शिवानी की हवेली में रघु नौकर का ही तो काम करता था। जो काम सीखा है वही करने के लिए बोल रही हूं उसे। मैं काम नहीं करूंगा। क्या जरा फिर से कहो, मैंने सुना नहीं। बोलो। मैं तुम्हारा दिया हुआ काम नहीं करूंगा। रघु, पहले तो तुम तय कर लो कि तुम अपने बाकी परिवार के साथ सड़क पर बैठकर भीख मांगना चाहते हो या मेरे नौकर बनके रहना चाहते हो, क्योंकि तीसरा कोई रास्ता तो है नहीं तुम्हारे पास। बड़े चौड़े होके बुला था ना तुमने कि चाहे कुछ भी हो जाए शिवानी को नहीं छोड़ूंगा। अब भुगतो। तुम और तुम्हारी ये शिवानी बाकी परिवार की तरह मेरे नौकर बन के रहोगे। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? इतने सारे नौकर हैं मेरे पास, इतना बड़ा आंगन है और जितनी सब्जियां उगेंगी उसमें से आधी बेचकर पैसे भी तो कमाऊंगी। यहाँ पे मूली लगाऊंगी, वहां पे प्याज और वहां पे आलू। हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। ये क्या है रघु? पता नहीं, ये बाबू क्यों कहीं अड़े से निकला, यहां से निकला। अरे अपनी कौन सी अच्छी किस्मत है जो अड़े से खजाना निकलेगा। चले ए बुड्ढे, खजाने के सपने देखते देखते सर खजाना बंद कर दे। कबाड़ी है ना तो फेंक दो ना इसको। एक मिनट दिखाना रघु। नहीं नहीं सुमित्रा, ये कबाड़ नहीं है। रघु ये देखो, इस पे तो राजवंश की स्टैंप है। भाई दिखाओ। अरे कबाड़ ये दाग जैसा लग रहा है, मुझे फेंको। सुमित्रा तभी कहते हैं लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए। अब अगर तुम स्कूल गई होती, थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो तुम्हें पता होता कि इन एंटीक्स की वैल्यू क्या होती है। हमने पता है एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक औरत को ऐसे ही अपने गार्डन में खुदाई करते करते एक बहुत पुरानी पेंटिंग मिली। वो औरत तुम्हारी तरह कम पढ़ी लिखी थी। उसको लगा कि पेंटिंग कुछ काम की नहीं है, उसने फ्री में अपने पड़ोसी को दे दी पेंटिंग। पड़ोसी समझदार था, पढ़ा लिखा था, उसने जाकर वो पेंटिंग बेच दी। और पता है कितने पैसों में बेची? कितने की बेची बेबी जी? 3 करोड़ में बेची पूरे। और बात करो के 3 करोड़। हाँ हाँ बेला दीदी, ऐसे एंटीक्स और पुरानी पेंटिंग्स बहुत महंगी बिकती हैं। या तो कभी कोई एंटिक डीलर खरीद लेता है या फिर गवर्नमेंट अपने म्यूजियम में रखने के लिए खरीद लेती है। तो 3 करोड़।
ये तो कमाल हो गया है। मारा करोड़पति बनने का सपना यो नौकर बनने के बाद पूरा होगो। ये तो मैंने कभी सोचा ही को नहीं था। मारा नौकर बनना सफल हो गया है। ला बीबी जी यो मारे को दे दो और अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। ए बुड्ढे, अमीर तू नहीं, अमीर मैं बनूंगी। वैसे इसे बेचने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए तुम्हें किसी आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, वो ही बता सकता है। आर्की क्या? पुरातत्व विभाग विशेषज्ञ। हाँ कहाँ मिलेगा ये? मिलेगा मतलब वो तो जैसे अरे बिला वो तेरे ससुराल के पड़ोस में है ना, वो जो म्यूजियम में काम करता है, क्या नाम है उसका, जो हनुमान मंदिर के हाँ वही हनुमान मंदिर के पीछे। नाम तो मैंने याद नहीं। अरे नाम ही भूल गया, तू पूछ ना रुपेश से पूछ। हाँ उन्हें जरूर पता होगा, वो काम आ जाएगा देखना। हाँ हाँ बात करो, बुलाओ बुलाओ उसको। और तुम खोदते रहो, अपना हाथ चलाते रहो, और ऐसा कुछ हो तुम ऐसा कुछ और मिले तो मुझे बताना। वो क्या है? अरे खोदो खोदो। यो देख रघु, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, कहीं है? गुड, बहुत ही कीमती है मैडम। क्या कीमत आएगी इसकी? अनमोल है ये, अनमोल। ये तो भी एक ऐसा मिला है, अभी ऐसे और भी न जाने कितने मिलेंगे। हजारों साल पुराना है ये। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अंदाजन क्या कीमत आएगी? लाखों में बिकेगा मैडम, लाखों में। आपने बहुत अच्छा किया, इसके बारे में सरकार को इन्फॉर्म कर दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ये सारा ले जाइए, मैं आपको बोरी देती हूँ, उसमें भर के ले जाइए। लेकिन ये पैसे कब मिलेंगे आपको? नहीं मैडम, आप शायद समझी नहीं, आपको नहीं सरकार को मिलेंगे। मतलब ये सरकारी नियम है, जमीन के नीचे दबी हुई कोई भी संपत्ति सरकार की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये सरकारी जमीन नहीं है, मेरी जमीन है। हाँ तो इस जमीन के आपको दाम दे दिए जाएंगे, और जमीन के नीचे दबी हुई कोई भी संपत्ति सरकार की संपत्ति होती है। ये आप किसे फोन लगा रहे हैं? अपने बॉस को, पुरातत्व विभाग के बहुत बड़े ऑफिसर हैं। अब वही आकर यहाँ पर ये तय करेंगे कि यहाँ ऐसी और कितनी अनमोल चीजें और भी हैं। देखिए मुझे नहीं करवानी खुदाई बताई, मुझे नहीं बेचना, आप चले जाइए। अब आपके बोलने से कुछ नहीं होगा मैडम, अब तो सरकारी अधिकारी यहाँ पर आएंगे और इस एरिया को सील कर दिया जाएगा। मुमकिन है कि यहाँ पर खुदाई भी हो। हाँ सर, मैंने सब चेक कर लिया है, ये कम से कम 2-4 हजार साल पुराना लगता है। जी सर, ओके सर जी। अच्छा मैडम, अमेरिका से हमारे बड़े साहब आए हुए हैं, अब मैं उनको साथ लेकर ले आऊंगा। प्रणाम। लेकिन सुनिए, मुझे नहीं बेचना, सुनिए। ये किस बैल को उठा के लाए थे तुम लोग? हाँ हमें काहे पता था कि एक दिन में कानून बदल जावेंगे, हम तो थारी मदद ही करना चाहते थे।
बहुत मदद कर ली तुम लोगों ने, अब उन लोगों को रोकने के बारे में कुछ सोचो, कुछ करो। अब क्या कर सकते हैं हम, घर थोड़ी उठा के ले जा सकते हैं कहीं पर। घर उठा के नहीं भाग सकते, लेकिन एक कबाड़ तो उठा सकते हैं। इसे उठा कर फेंक आओ। सुमित्रा तुमने ध्यान से सुना नहीं था क्या उन्होंने क्या कहा? इस सामान से ज्यादा वो ये देखने आ रहे हैं कि इस जमीन के नीचे और क्या क्या है, और इस सामान को उठाकर अगर तुम फेंक भी दोगी तो क्या होगा, वो खुदाई तो करने आएंगे ही ना। हे भगवान कैसी मुसीबत है। रघु हमने तो ये भी सुना है कि ये सरकारी कामकाज बहुत लंबे खिंच जाते हैं, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, आपको नहीं पता? अरे मतलब कोई छोटा सा काम हो, जैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, 10,000 चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो ऑफिसर बाबू ऊपर से लेके नीचे तक सबको घूस खिलानी पड़ती, बहुत मुश्किल होती है, और ये मामला तो सरकारी संपत्ति का है। मैं किसी को घूस नहीं खिलाने वाली, मैं कल उन लोगों को साफ साफ बोलूंगी ये कबाड़ चाहे तो उठा के ले जाए, लेकिन इस घर की खुदाई ना करे। सुमित्रा वो तो थाने आज भी कहा था, काए हुए हो, वो माना नहीं ना? मारे को तो लग रहा है लता मारी पुश्तैनी जमीन बिक जाएगी। बापू कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? मतलब ये ऐसा हो गया तो फिर हम कहाँ रहेंगे? ऐसे मत बोलो आप, और और, और, और आप जानते हैं अगर ये जमीन बिकेगी भी तो सरकारी दाम पे, आधे से भी कम पैसे मिलेंगे। अरे जब वो सरकारी नौकर मानेगा कोनी तो ये सुमित्रा अपना नुकसान थोड़ी करेगी। मारे को तो पक्का यकीन है पीसों की खातिर सुमित्रा मारी जमीन बेच देगी। नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इस जमीन पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैं कोर्ट तक जाऊंगी लेकिन ये जमीन या घर नहीं बेचूंगी। कोर्ट काई बात कर रही है तू? अरे कोर्ट में केस लड़ते लड़ते जवान बुढ़ा हो जावे और बुढ़ा मर के भस्म हो जावे। बुढ़े तुम जी डराना बंद कर और कोई सुझाव दे। अरे मारे पास कटे सुझाव है, कबाट में रखा है जो लाकर थारे को दे दूं। काई बात कर रही है तू? अब जो भी करेगी वो सरकार करेगी। आइए आइए आइए। टुकड़ा देखिए सर, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। ये मिस्टर क्लिंटन है, गवर्नमेंट ने इनको अमेरिका से यहाँ बुलवाया है। आजकल ये जमीन में दबे खजाने की न्यूज में टीवी में बहुत आ रहे हैं, आपने इनको वहीं देखा होगा। ये मैडम क्या बोलता है? नथिंग सर नथिंग, आप आइए मैं आपको एंटीक सिखाता हूँ। ओ जी प्लीज जी जी, हैव अ लुक। वाओ बहुत अच्छा है, वेरी गुड। मिस्टर एक्सपर्ट आप एक काम कीजिए, ये घर को खरीद लीजिए और खुदाई की तैयारी कीजिए, क्विक 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 जल्दी। क्या क्विक क्विक क्विक? हाँ और ऐसे कैसे खुदाई कर दो, ये घर मेरा और मैं इसे नहीं बेचना चाहती। आपके चाहने से क्या होता है मैडम, आप एक काम करिए आप इस पे साइन कर दीजिए बस। क्या ये आप ये घर बेच रही है सरकार को, ये उसका एग्रीमेंट है, लीजिए। मैं साइन नहीं करूंगी। Any problem? No sir, no, nothing. आप जल्दी से साइन कर दीजिए, मिस्टर क्लिंटन को जो चीज नहीं मिलती है वो उसे छीन लेते हैं। हाँ लीजिए साइन कर। मिस्टर क्लिंटन
बहुत हो गया ये नाटक। ये घर मेरा और मैं इसे नहीं बेचूंगी। आप नहीं बेचेंगी? आपसे पूछ कौन रहा है? ये घर मेरा है, समझे? तुम लोग चुपचाप यहां से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। डोंट शाउट एट मी। ये क्या कर दिया आपने? गवर्नमेंट ऑफिसर को नाराज कर दिया आपने? ये फिरंग यहां पर क्यों बैठा है? अब तो ये यहां से तब जाएंगे जब ये घर इनके हाथ में होगा। हर साइड पे ये इसी तरह धरना देकर बैठ जाते हैं। ये ठीक कह रहे हैं मिस्टर एक्सपर्ट, अब एक काम कीजिए, मेरे यहाँ रहने का अरेंजमेंट कीजिए, ठीक है? जी, राइट अवे, अभी करता हूँ मैं। ये यहाँ रहेगा? कोई इंतजाम नहीं होगा इसके रहने का। सुना नहीं तुमने? ये घर मेरा है और मैं इसे नहीं बेचना चाहती। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना धक्के मार के निकाल दूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये घर बेचने में क्या परेशानी है। अच्छी खासी रकम मिल रही है आपको, घर आती माया को क्यों ठुकरा रही हैं आप? आप समझते क्यों नहीं है? ये पैसे की बात नहीं है, ये बात हमारा घर और हमारे शान की है। मुझे ही पता है इस घर को पाने के लिए मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, और मैं इस घर को बेचने के लिए किसी भी हाल में हार नहीं करूंगी। आप लोग चुपचाप यहां से चले जाइए। सुमित्रा, आओ मेरे साथ। एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर आओ, जल्दी आओ। क्या है? तुम गुस्सा करके बात को मत बिगाड़ो। तुम ऊपर जाओ, मैं बात करता हूं। तुम क्या बात करोगे उनसे? हाँ, और तुम मेरी मदद क्यों करने लगे? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने परिवार वालों की मदद कर रहा हूं। फिर हम गुस्से में आ गए ना तो जबरदस्ती भी छीन सकता है घर। घर चले गए तो कहां रहेंगे फिर हम? तुम जाओ जाओ, पर मैं बात करता हूं। मिस्टर क्लिंटन, बहुत गर्मी लगता है। तुम तो सच में रॉकस्टार निकले। क्या कमाल की एक्टिंग की है, इतना बढ़िया गेटअप लिया है, मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच करण, हमारे कहने पर यहाँ पर आने के लिए। हम बता नहीं सकते कि हम तुम्हारे कितने शुक्रगुजार हैं। अरे, आता कैसे नहीं? वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तुमने अपनी बीमारी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? वो करण, छोड़ो ना वो सब बातें, अब वो सब अब पुरानी बात हो गई। अब देखो हमें, अब तो हम बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी रघु था ना हमारे साथ, और जब तक रघु हमारे साथ है किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बात तो सही है। By the way, ये सुमित्रा को बेवकूफ बनाने का आइडिया किसका था? शिवानी का। ओह, क्या बात है छुईमी, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो गई हो। एक्सक्यूज मी, हम तो पहले से ही स्मार्ट थे। बस करण, टेढ़े को सीधा करने के लिए खुद ही टेढ़ा बनना पड़ता है। वैसे एक बात बताएं, उस सुमित्रा को बेवकूफ बनाने में हमें बहुत मजा आ रहा है।
वो इतनी स्टूपिड निकलेगी ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि हमारे कहने पर उन क्ले के बर्तनों को एंटीक समझने लगेगी। बस एक बार उसे यकीन हो जाए कि ये प्रॉपर्टी उसके हाथ से जा रही है फिर वो उसे बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। वैसे इफ यू बोथ डोंट माइंड अगर ये घर खरीदना है तो मैं पैसे दे देता हूं। नहीं नहीं, नहीं करण, ऐसा करने से सुमित्रा की ही जीत होगी। जिस तरीके से उसने धोखे से बाबूजी से ये घर लिया है ठीक उसी तरह हम भी उसे धोखा देंगे। उसे इतना मजबूर और पैसों की लालच में इतना अंधा कर देंगे कि वो खुद ब खुद ये घर बेचने को तैयार हो जाएगी।